गुड मॉर्निंग क्लास, सब्जेक्ट कंप्यूटर 31 डे। लेट्स मूव टू द बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। हमारे बेसिक क्वेश्चन आंसर्स कल हमने किए थे, आज उन्हीं को आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन उससे पहले एक सूचना, आप जब भी कोई वीडियो देखें मोबाइल से आंखों की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस होता क्या है? वायरस एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है, नुकसानदायक प्रोग्राम होता है, जो हमारे कंप्यूटर से किसी भी प्रोग्राम या डाटा को लॉस्ट करने का कार्य करता है, उसको हानि पहुंचाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लॉपी डिस्क वर ओरिजिनली डिजाइन बाई। जो फ्लॉपी डिस्क है वो आपकी कैसी है? सेकेंडरी डिवाइस है और इसका काम होता है किसी भी डाटा को स्टोर करना, और इसको जो बनाया गया है वो सोनी कंपनी ने बनाया था। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सीडी रोम ड्राइव। सीडी रोम ड्राइव में हमने किस तकनीकी का प्रयोग किया? उसमें हमने ऑप्टिकल का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 12, हु ट्रांसफॉर्म वन इंटरफेस इंटू अनादर इंटरफेस। कौन करता है एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में बदलने का कार्य? वह करता है आपका सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच फॉर्म डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर इन कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हमारी डाटा जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, वो किस रूप में स्टोर होता है? वो स्टोर होता है आपके फाइल्स के रूप में। प्रोग्राम ऑफ विच मेमोरी कांट बी इरेज। कौन सी मेमोरी के प्रोग्राम इरेज नहीं हो सकते? वो होता है आपका रोम। और रोम कैसी मेमोरी है? आपकी परमानेंट मेमोरी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें आप कोई भी डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिस्क कंटेन परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी डिस्क करती है परमानेंट मैग्नेटिक डिस्क को? वो थी आपकी HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द प्लेस वेयर डाटा या प्रोग्राम गोस। जो भी डाटा प्रोग्राम आप बनाते हैं वह कहाँ जाता है? वह जाता है आपके CPU, यानी कंप्यूटर के जो CPU पार्ट है उसमें जाता है। और CPU क्या करता है? किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। जितनी भी कैलकुलेशंस करता है सब CPU करता है, क्योंकि CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है। ये क्वेश्चन आपको याद भी करने और लिखने भी है, और साथ साथ आप मुझे कॉपी चेक कराएंगे। थैंक यू।